राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज गुजरात के भुज में प्रारंभ हुई। बैठक का शुभारंभ परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी और माननीय सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले जी ने भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके किया। इस बैठक में देश भर से संघ दृष्टि से 45 प्रांतों के और 11 क्षेत्रों के सभी माननीय संघ चालक, कार्यवाह, प्रचारक और अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य भाग ले रहे हैं। ऐसे कुल देश भर से 382 प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित हैं। बैठक के प्रारंभ में माननीय सर कार्यवाह जी ने सभी आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उसके पश्चात देश और समाज के लिए ऐसे जिन महानुभावों का विशेष योगदान रहा है और गत कुछ अंतराल के अंदर जिनका देहावसान हुआ है, ऐसे सभी महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय रंगाहरि जी, श्रीमान मदन दास देवी जी, श्री जयंत सहस्रबुद्धे जी, श्री हरिभाव बझे जी और ऐसे ही समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जैसे प्रसिद्ध पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जी, प्रसिद्ध चिंतक लेखक तारिक फतेह, सूल ऑफ इंटरनेशनल के संस्थापक श्रीमान बिंदेश्वर पाठक जी और भूतपूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी जी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऐसे ही अभी हाल ही में नेपाल में आए हुए भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति भी श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। इस बैठक में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, नागपुर में आई हुई बाढ़ और उससे प्रभावित समाज के विभिन्न लोगों के लिए स्वयंसेवकों द्वारा किए गए सहायता और सेवा कार्य की भी जानकारी यहाँ पर दी गई। अपनी यह बैठक 7 नवंबर सायंकाल तक चलेगी। इसमें विभिन्न वर्तमान सामाजिक परिदृश्य आदि विषयों पर भी चर्चा होगी।